जब मैं कॉन्फ्लिक्ट में आता हूँ और तो इतना अच्छा लगता है, अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि भारत की ऐसा लगता है कि भारत की सीमा जो मेरी मातृभूमि है जिसको मैं मिस कर रहा हूँ वो आज यहाँ मिल रही है। और उस पर सोने का सुहागा ऐसा हो गया कि हिंदी का एक ऐसा सम्मेलन हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा भारत यहाँ समाहित हो गया और नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीयकरण जो है जो इतना महसूस हो रहा है उसका बड़ा राष्ट्रीय एकीकरण और बस शुरू करने से पहले जरूर बोलूंगा कि श्री गांधी जी के वचन मुझे आज काफी दिनों तक याद रहेंगे। अद्भुत इन्होंने दक्षिण हिंदी के बारे में बोला और काफी प्रभाव से बोला। आई विल ऑलवेज मैं हमेशा इसको याद रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपनी कविता से जो मैंने लिखी थी और ये कविता स्वामी विवेकानंद जी पर है। तो स्वामी विवेकानंद जी का भारत का जो के प्रति त्याग और जो कंट्रीब्यूशन है वो अद्भुत है और आज मैं उनके बारे में उनको याद करता हूँ। भारत की इस पुण्य भूमि की हर एक बात निराली है, किसी भी युग में होती ना ये महापुरुषों से खाली है। जब जब भारत की देव भूमि पर कोई संकट आता है तब अंधकार में दिया जलाने विवेकानंद को पाता है। शताब्दियों के अत्याचारों से शब्दिकतर विक्षत भारतीयता जब खोई थी और अपनों के कुटिल अंधविश्वास से जब भारत माता हुई थी, जब भारत के प्राचीन ज्ञान का मर्म न कोई पाता था और ईश्वर प्राप्ति की इच्छा को मूर्ता समझा जाता था, भारत को जगाने तब विवेकानंद का समय हुआ। वेदांत का ज्ञान प्राप्त कर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। घूम घूम कर भारत में दुखियों को देख अघाते थे, है क्यों इतना दुख आज यहां, उस समझ न पाते थे। रोते रोते कहते थे, हे मां कब मेरा भारत जागेगा, है अंधकार में अभी भरा कब प्रकाश को ये पाएगा। मां भारती के आशीर्वाद से शीघ्र वो अवसर आया और भारत का परिचय करवाने धर्म संसद ने बुलवाया। और ये 9/11 को ये स्वामी जी का प्रवचन हुआ शिकागो में, तो उसी की बात हो रही है। मां भारती के आशीर्वाद से शीघ्र वो अवसर आया और भारत का परिचय करवाने धर्म संसद ने बुलवाया। स्वामी जी ने कहा कि हमको मानव में भेद नहीं, सबको अपना माना है, हर पथ से पा सकते हो, इस सत्य को हमने जाना है। छोड़ो इस विडंबना को, कौन सा धर्म ऊंचा है, कुएं के मेंढक को देखो वो सागर से रीता है। सुन विवेकानंद दर्शन विस्मय से सब चक्र आए, जिसको समझा ना समझ वो है ब्रह्म ज्ञान को समाए। भारत माता का यश वैभव सुन निवेदिता भारत आई, भारत को उसका महत्व बताते वो बहुत ही हर्षाई। इस तरह के पुण्य संकल्प से सोया भारत जागने लगा,